लोकसभा के चुनाई के शंखनाद हो गया हवा है। तीन चरण में छत्तीसगढ़ में जो उन्हें चुनाई होना है, अब ये तीनों चरण के दशा दिशा और स्थिति परिस्थिति के चिंतन छत्तीसगढ़िया मल्लक करना चाहिए। रायपुर लोकसभा पर प्रत्याशी के चयन दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलमन कर रहे। अब आज ये इतवार जोहार में एक बड़का जानकारी साझा करे बनाए हूं, सूते हुए ओबीसी समाज ला जगाए बनाए हूं। आप देखो रायपुर लोकसभा ला ये जारी पंचवर्षीय ला कहूं छोड़ दिया जाए तो एकर पीछू के लगभग आठ पंचवर्षीय मतलब 40 साल ओबीसी समाज के कब्जा रहे हैं। लेकिन आज ये समाज अपन अधिकार ला गंवा चुके हैं। रायपुर लोकसभा ले भारतीय जनता पार्टी हा ब्रिजमोहन अग्रवाल ला जो उन्हें टिकट दे है और कांग्रेस हा विकास उपाध्याय ला टिकट दे है। ये बीच ओबीसी समाज अपन आप लग कहां है कि के खोजत है। लेकिन वाह रे मोर ओबीसी समाज, वाह रे मोर ओबीसी महासभा, ये समाज के कोनो नेता एक आवाज नहीं उठा सकते कि ओकर समाज ला प्रतिनिधित्व काबर नहीं मिलिस। पार्टी में रही के ये बड़का समाज एक बड़का मतदाता के समुच्चय बना थे। रायपुर लोकसभा में सबले ज्यादा मतदाता जो उन्हें ओबीसी समाज ले आते और लगातार बीते 40 बछर ले ये समाज के प्रतिनिधित्व रहे है। रमेश बैस जनाज वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है, वो लगातार ये समाज के प्रतिनिधित्व करे है। लेकिन आप देखो छत्तीसगढ़िया नेता मन अपन पीछू एक मजबूत नेतृत्व बना के कभू नहीं छोड़ पाइन, केवल अपने देखैया होइन और अपन पाछू कोनो मजबूत स्तंभ बनाए में सफल नहीं हो पाई। एक बड़का चिंतन ये प्रदेश के ओबीसी एससी एसटी समाज लग करना चाहिए। एक बड़का मतदाता वर्ग है ये प्रदेश में, आदिवासी मन के, सतनामी मन के, कुर्मी तेली मन के, निषाद मन के, राउत मन के, लेकिन राजनीति में दबदबा काकर है, काकर है। चारों मुड़ा कहूं मुड़ी घुमावन तो देखथन कि जेकर मन के संख्या नहीं है ते मन हर राजनैतिक पद्मा विराजमान है और जे मन बहुसंख्यक समाज है ते मन केवल और केवल मतदाता है। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि का ये बहुसंख्यक मतदाता समाज के बीच में कोनो ऐसे बड़का बुद्धिजीवी नहीं है, नेतृत्व करता नहीं है जे मन अपन नेतृत्व के लोहा मनवा सके? ऐसे काबर करे जाते कोनो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल मन ये समाज ला ओकर प्रतिनिधित्व ला स्वीकार काबर नहीं करे? विधानसभा चुनाई के बेरा घलो ये समाज के अनदेखी करेगी, ओबीसी समाज ला लगभग सामान्य कैटेगरी में डाल देगी। आखिर कब तक वो केवल एक मतदाता बने रही? आखिर कब ओकरे बड़का समाज अपने लयिका ला राजनीति ले दुरिया करत जाही और कब तक कम संख्या अल्पसंख्या वाला लोगन मन के नेतृत्व ला स्वीकार करत रही? तो का ये बहुसंख्यक समाज में कोनो पढ़े लिखे राजनीति के दमदार व्यक्तित्व के कमी है? हवा का लोकसभा चुनाई
और कोनो भी चुनाई में ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल मन संख्या पूछते लोगन ले कि तोर समाज के कतेक संख्या है, ते टिकट मांगत हस तो तोर पीछू तोर समाज के कतेक लोगन खड़े है। तो मैं पूछना चाहत हूँ कि आप जौन अल्पसंख्यक समाज मल्ला बहुसंख्यक समाज के बीच में टिकट दे के चुनाव लड़वा था तो का ओला पूछता कि तोर पीछू तोर समाज के कतका जन मनखे खड़े है। छत्तीसगढ़िया मल्ले अतेक बड़े खिलवाड़ ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल मन करत है और सब के आंखी में ये दिखत है, लेकिन पार्टी के चश्मा पहने ये समाज के नेता मन के आंखी नहीं दिखते। ओ मन अपन अधिकार बर गुहार नहीं पा रहते, ओ मन अपन अनदेखी के विरोध नहीं करते, ओ मल्ला अपन लोग लड़का के भविष्य के चिंता नहीं है, ता आखिर ओ मन राजनीति काबर करते। कई दाए ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल मल्ला ये समाज के बड़का बड़का नेता मन कि हमन दरी झंडा और डंडा उठाए के बूता करबो और करते है ओकर ले बड़े ऊ का करत है। तो का ये समाज के बड़े बड़े नेता मन जे मन अपन पार्टी में अपन दबदबा के लोहा मनवाए के बात कही थे, तो का वो मन अपन समाज के प्रतिनिधित्व वाला आगू बढ़ाए के बूता नहीं कर सके, और कहूं कर सकते ता आज ये परिस्थिति काबर बने हैं ये कर चिंतन करे के जरूरत है। ओबीसी समाज के लगातार अनदेखी होत कि रायपुर लोकसभा जौन तरले ओबीसी बाहुल्य है और लगातार ओला ये लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले है, लेकिन बीते दो पंचवर्षीय ले जो उन्हें ये समाज के नेता मल्ला प्रतिनिधित्व काबर नहीं दे जाते। और धन्य है ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल में बूता करैया ये समाज के बड़का नेता कार्यकर्ता मन जे मन ये बात ला नहीं ऊंचावे, जे मन कले चुप पीरा खा के ये पार्टी के झंडा लहराए में लगे। जब कोई समाज लगातार ये पार्टी पर बूता करे है ओकर नेता मन बूता करे है तो मन में ये लालच जरूर रही सोही कि ओला प्रतिनिधित्व के मौका दे जाही, लेकिन ठेंगा चटा देगी। अब कहूं हमन अपन समाज ले बड़का कोनो पार्टी ला मानबो तो हमार साथ इसने होत रही। आज देखो छत्तीसगढ़ प्रदेश में मैं सराहना करता हूं सतनामी समाज के, अधिकार ला नंगा के ले लेते, छीन के ले लेते और बहुत बढ़िया करते। ये समाज जौन आक्रमकता ले अपन अधिकार के रक्षा पर बूता करते कोनो दूसर समाज नहीं कर सकते। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के मनमानी ला हमन झेलत रहिबो तो आगू हमर मन के सुनवाई नहीं होने वाला है। मैं आवाहन करूं आप सबो चिंतक मन ले, राजनैतिक विश्लेषक मन ले कि ये दिशा में समाज ला जागृत करे जाए, ये दिशा में समाज के प्रतिनिधित्व पर समाज के बड़का मुड़का मल्ला आगू आके एकजुट करे जाए और एक मंच में बैठ के एक रणनीति बनाए जाए, मजबूत रणनीति बनाए जाए जेकर ले ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल मल्ला पता चले कि ये समाज अपन अधिकार पर उमड़ चुके हैं और ये ला आगू और बेवकूफ नहीं बनाया जा सके। और कहूं आज अपन अधिकार ला ले के आवाज नहीं उठाएं तो निश्चित ही आने वाला समय में
हमर ताकत के अनदेखी करे जाही, हमर संख्या बल के अनदेखी करे जाही, हमर अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे जाही। तो आखिर कब तक सहिबो हमन ये खिलवाड़ ला, और काबर भीतरे भीतर जो उन्हें आगी लगे तो ये आगी बाहर में काबर नहीं बमकते, भीतरे भीतर जो उन्हें विचार मंथन मथत है एक दूसर ला, ये बड़का समाज, ये बड़का ओबीसी समाज, रायपुर लोकसभा के कर्ता धर्ता समाज ला प्रतिनिधित्व काबर नहीं मिलते। विधानसभा चुनाव में जब ये समाज ला प्रतिनिधित्व दे के बारी आई से तो ये दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल मन कतका कन प्रतिनिधित्व दे ये समाज ला। आप आरक्षित सीट मल्ला छोड़ दो, अधिकार पूरा सामान्य ला दे देगी। ओबीसी ला जो फायदा होना रहीस, ओबीसी ला जो अधिकार मिलना रहीस, ओकर सौदा हो गए। आप देखो चार विधानसभा में ओबीसी के हिस्सेदारी ला सवर्ण मल्ला बांट देगी। तो कहूं हमन एकर विरोध नहीं करबो, पार्टी में रही के ही ओबीसी समाज के नेता मन एकर विरोध नहीं करही और एक पुख्ता रणनीति नहीं बनाही, तब तक आपला आपे के पार्टी में कमजोर आके जाही। मैं निवेदन करूं ओबीसी समाज के बड़े बड़े मुखिया मन ले, बड़े बड़े नेता मन ले, जे मन भाजपा और कांग्रेस में बड़का बड़का पद में बैठे है, वो मन अपन समाज के नेतृत्व के बारे में विचार करे कि ओकर समाज ला कतका कन नेतृत्व मिले है, सामान्य वर्ग ला ओकर अधिकार ला बांट दे जाते तो का ये सही है, और अगर एकर विरोध नहीं होते तो का राष्ट्रीय राजनीतिक दल मन में बैठे ये समाज के बड़का बड़का नेता मन के मौन सहमति है। बिल्कुल आपके मौन सहमति समझे जाते हैं।